तो ये हमारी गाय है, इसको रेड वाटर का प्रॉब्लम है, ये रेड वाटर हो रहा है। तो हमने इसमें नीम, गिलोय और शीशम का पत्ता इस गाय को खिला रहे हैं। तो इधर रेड वाटर थोड़ी देर पहले की थी, तो ये इन्फेक्शन के वजह से, गर्मी के वजह से या फिर फास्फोरस की कमी के वजह से कई प्रकार के दिक्कत से होता है। हम गाय के देखिए शीशम के पत्ता, नीम के पत्ता, गिलोय, उन सब चीजों को हमने ले आन के दिया है। तो ये है, आप देख सकते हैं, देखिए गाय खा रही। अगर इसको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, हीट है, गर्मी है शरीर में, या फिर जो है फास्फोरस की कमी है, वो इस चीज से खत्म हो जाती है। आप भी गायों को खिलाएं, जब आपकी गाय को रेड वाटर होने लगे, तो रेड यूरिन का ये अचूक इलाज है, आप खिला सकते हैं। देखिए गाय खा रही है, खाएगी तभी ठीक होगी। तो ये प्रॉब्लम इसको करीब करीब 10 दिन से ज्यादा है, और बीच में हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए अभी तक ठीक नहीं हो पाई थी। इसके सेहत में काफी गिरावट आने लगी थी, तो अब हम इसे जो दे रहे हैं इससे ठीक हो जाएगा, 2 दिनों के अंदर ठीक हो जाना चाहिए। आराम से खा लेती है, आप देख सकते हैं खा रही है। इसके नाद में हम डाल दिए ले आ करके, और जो ओवर हीट या फिर इन्फेक्शन या फास्फोरस की कमी, ये 3-4 कारणों से ही रेड वाटर या रेड यूरिन होता है गायों में। तो जो है अगर ये खा लेता है तो ठीक हो जाएगा। दोस्तों आप भी, आपके पशु को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो उसे पक्का खिलाइए, 100% खिलाइए, वो ठीक हो जाएगा। इसको गायों को अवश्य खिलाएं, और जो है रेड यूरिन से बचाएं। इस बात का खासा ख्याल रखें कि गर्मियों के मौसम में एचएफ गाय में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती है, और उससे निपटने का तरीका आपको आना चाहिए। और गाय है ये काफी हद तक खा लिया है, और अभी खा जाएगा, तो अभी मिल्क निकालने के लिए वो गाय बोल रही है। उसका खाना पीना दोनों सबका कंप्लीट हो गया है। तो आप भी जो है इसका इस्तेमाल करें, जब पशु को रेड यूरिन होने लगे तब। ये था आज का जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह से रेड यूरिन या वाटर को खत्म कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो आप भी इस्तेमाल करें, जब भी आपके पशु को ऐसा भी कोई, इसमें आंवला के पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, या आंवला खिलाएं, तो ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।